हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है हमारे साथ शुभम दोगड़ा सर। हेलो गाइस। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हमारे पास यहाँ हैं मेरे आर्टवर्क्स और शुभम दोगड़ा सर के आर्टवर्क्स। तो ये हमने डिस्प्ले बुक में से निकाल लिए हैं ताकि हम आपको अच्छे से दिखा सकें। हाँ। और सारा डिस्कस करेंगे। पहले मैं इनके आर्टवर्क्स दिखाऊंगा आपको, मैं आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज़ किए हैं, कौन कौन सी पेंसिल यूज़ किए हैं, कौन सा पेपर यूज़ किया है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और देखो कितने सारे हैं, दो डिस्प्ले बुक्स से निकाले हैं ये। हाँ, और मेरे भी इतने ही कुछ हैं। हाँ, और रैंडमली रखे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ न्यू है, लेटेस्ट सब हैं इसमें। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छे से देखना। हम आपको एक एक आर्टवर्क दिखाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की और किस तरह से बनाए हैं, कौन से मटेरियल्स यूज़ किए थे, किस स्केच में कौन सा पेपर यूज़ किया था। तो बस ये सब इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए भी और नॉलेजेबल भी रहेगा, तो देख लेना। तो चलो अब देखते हैं पहले सर के आर्टवर्क्स। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है MS धोनी, जिस पे ऑटोग्राफ भी है MS धोनी का। तो ये तो प्राइसलेस है। हाँ, ओरिजिनल स्केच है जिसपे आर्टवर्क ऑटोग्राफ है। प्रिंट पे भी लिया था मैंने स्केच के, बट ये ओरिजिनल स्केच है। देख लो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। कौन सा पेपर है ये? ये वाला ब्रिस्टल पेपर था, 180 GSM वाला। 2017 में बनाया था मैंने, तब मैं ब्रिस्टल पेपर ज़्यादा यूज़ करता था, तो उस पर बनाया था ये। और इसमें बस ब्लेंडिंग टेक्निक्स स्टम्प से यूज़ की है, ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ की थी सिर्फ। ये देख लो गाइस साइन, जिससे इसका प्राइसलेस हो चुका है। कंप्लीट ग्रेफाइट है ना? हाँ, कंप्लीट ग्रेफाइट। तो IS6 भी यूज़ की थी, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। थैंक यू। और ये तो रिसेंटली ड्रॉ किया था, हाइपर रियलिस्टिक वर्क A4 साइज पे। इसमें भी कंप्लीट ग्रेफाइट ही यूज़ की है। और ये पेपर था आइवरी पेपर है ये, 180 GSM वाला स्मूथ आइवरी पेपर। तो देख लो गाइस काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग। हाँ, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है। इसमें जेली रोल पेन का भी यूज़ किया ये बियर्ड में। हाँ, ओके, बियर्ड जेली रोल पेन यूज़ किए हैं, और बाकी तो सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल्स ही हैं, और कुछ यूज़ नहीं किया इसमें। इसकी शायद लाइव स्ट्रीम की थी ना? हाँ, इसकी लाइव स्ट्रीम की थी मैंने, फर्स्ट लाइव स्ट्रीम भी थी ये मेरी आर्ट की। तो ये पूरा लाइव स्ट्रीम में ही बनाया था मैंने, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। और इसमें भी सिर्फ कंप्लीट ग्रेफाइट ही यूज़ किया है, बियर्ड में इंडेंटिंग यूज़ की थी थोड़ी सी वाइट बियर्ड के लिए। ये वाला स्केच तो काफ़ी वायरल है, थानोस का। स्टेशनरी फेयर में इसका पोस्टर भी लगाया था। हाँ, और इसमें मैकेनिकल पेंसिल का ज़्यादा यूज़ हुआ है, और ये भी काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है। बनाया तो ये रियलिस्टिक सोच के, हाइपर रियलिस्टिक मैंने इसमें सोचा नहीं, बट शायद मैं भी थोड़ा सा लग रहा हूँ फेस में। पेपर कौन सा है? पेपर ये भी आइवरी है, स्मूथ आइवरी पेपर, 180 GSM वाला। ओके। और इसमें फेस में मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया ज़्यादा, क्योंकि A4 साइज़ का था, छोटा स्केच है, तो इसमें डिटेलिंग उसी से हो पाती मैकेनिकल पेंसिल से। तो ये डिटेलिंग गाइस देखो बहुत मस्त लग रही है। थैंक यू। मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ किया, जो वाइट हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं फेस में, बाकी मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। ये भी काफ़ी वायरल हुआ था स्केच। ये स्केच तो बहुत वायरल है, मतलब हर कोई ड्रॉ करता है, जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं इसको जरूर ड्रॉ करते हैं। इसकी वीडियो नहीं बना पाया था मैं, क्योंकि तब चैनल ही नहीं था मेरा जब ये स्केच बनाया था। और ये बहुत पुराना है ना? हाँ, 2017 की स्टार्ट, जनवरी 2017 का, 2017 का। हाँ, तब यूट्यूब चैनल था मेरा, तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं है। मतलब ये स्केच ना आप गूगल पे करोगे ना, उनका नाम लिखोगे ना, MS धोनी विराट कोहली स्केच लिखोगे, या स्केच उनका नाम भी लिखोगे ना, तब भी आ जाता है ये। MS धोनी विराट कोहली लिखोगे तब भी ये टॉप पे आ जाता है, टॉप 10 में आ जाता है सर्च में। तो बहुत ज़्यादा वायरल है ये वाला, तो काफ़ी लोगों ने बनाए थे, अभी तो अभी भी बनाते हैं। हाँ, अभी भी बनाते हैं, टैग करते हैं, मैं देखता हूँ ना। ये भी ग्रेफाइट वर्क ही है वैसे, एक्चुअली इसमें सारे वर्क ग्रेफाइट ही हैं, ग्रेफाइट पेंसिल के ही हैं। इतना डार्क कौन सी पेंसिल है? 6B थी ये। ओके। हाँ, डार्क के 6B यूज़ की है। 6B ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैक्सिमम जो भी पोर्ट्रेट्स है 6B से ज़्यादा यूज़ ग्रेफाइट की ही नहीं है मैंने। 7B और 8B पहले कभी कभी की थी, तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सेडलर की थी, तो उसका क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट का टेक्सचर थोड़ा चारकोल जैसा था, तो वो मैट और शाइन का फ़र्क आ जाता था दोनों में, तो इसलिए मैं 6B ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता था। तो मेरे को आदत हो गई 6B डार्क यूज़ करने की। हाँ, स्टेडलर की 8B वो है। हाँ, स्टेडलर की 7B और 8B अलग है थोड़ी, वो नॉर्मल ग्रेफाइट से अलग है। 6B तक ठीक है। हाँ, तो ये भी 2017 का था जो पिछला स्केच, ये भी 2017 का है। हाँ, ये टाइगर जिंदा है। हाँ, जब मूवी आई थी तब बनाया था ये भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, इसकी वीडियो नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्केचेस वो स्मूथ पेपर पे इनके। हाँ, और काफ़ी मस्त से ब्लेंडिंग कर रखी है स्टम्प का यूज़ करके। हाँ, ये बात है कि इसमें मैंने सिर्फ स्टम्प्स का, इसमें नहीं, सारे स्केच में स्टम्प्स का यूज़ किया। ब्रश में अभी भी काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, बट मेरे को स्टम्प से ज़्यादा आदत है, तो मैं स्टम्प से ज़्यादा यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। ये कलर पेंसिल से किया हुआ है, प्रिज्मा कलर पेंसिल से यूज़ किया, लेकिन पेपर काफ़ी नॉर्मल सा था, एक क्लासमेट का पेपर यूज़ किया हुआ है, पतला सा।
कब बनाया था? ये बनाया था मैंने 2015 में, 2015 में बनाया था। तब मैंने बनाया था ये फेबर कैसल की सिंपल वाली बाई कलर पेंसिल से। फिर मैंने प्रिज्मा कलर ली थी, तो तब मैंने उस पर ये थोड़ा ठीक इम्प्रूवमेंट की थी स्किन में। मैंने तो काम ही 2016 में स्टार्ट किया था, थैंक्स। तो ये भी बहुत प्यारा है। ये बनाया था दंगल 2016 में। ये भी काफी मस्त लग रहा है, डार्क डार्क सा देखो ये वाला इफेक्ट फेस पे कंप्लीट। हाँ, इसमें टाइम काफी लगा था, स्केच में 10 घंटे लगे थे। हाँ, हाँ ये टेक्सचर बनाया देखो। इसमें शायद दिख ना रहा हो वीडियो में क्लियरली, बट इसके आप बॉडी पे देख सकते हो। और तब मैं ज़्यादा हाईलाइट्स के लिए मैंने नॉर्मल रेजर यूज़ किया था इसमें, क्योंकि तब मोनोजीरो इरेजर वगैरह का मेरे को पता नहीं था और था भी नहीं मेरे पास। तो इसमें हाईलाइट्स वगैरह नॉर्मल इरेजर से की थी, इसलिए टाइम काफ़ी लगा था, क्योंकि इरेजर को छोटा छोटा काट के किया था मैंने। इसमें ब्लेंडिंग नहीं किया मैंने, फेस में भी आप देख सकते हो, फेस की स्किन का टेक्सचर दिख रहा होगा। तो ये रफ पेपर पे बनाया हुआ मैंने, आर्टो के रफ पेपर पे, और टोम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ की हैं। इसमें आपको स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे, स्ट्रोक्स हाँ, स्ट्रोक्स। पेंसिल की स्ट्रोक्स। और ये वाला तो इसके इसके ऊपर तो बहुत पंगे हुए थे, आपको पता हाँ होगा। हाँ जो हो जाने चाहिए थे पर हुए थे, हाँ मैंने बनाया तो फिर वर्सेस 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 सब करके अभी भी पता नहीं क्यों अभी भी लोग बनते बना रहे हैं। हैं। हाँ सोलोसी आर्ट वर्सेस, एक तो मैंने देखा था सौरभ जोशी आर्ट्स वर्सेस आतिश वगैरह वर्सेस, फिर किसी और ने हाँ तीन एक ने किसी तो 4 लोगों का कंपेयर किया हुआ, तो ऐसे काफी लोगों ने बनाया हुआ ये भी। और इसमें ये मेरे को हेयर स्केच, हाँ इसमें हेयर मेरे हेयर को बहुत काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं, खुद भी काफी पसंद आए थे मेरे को। हेयर मस्त लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी तो अब बनाया था जब यूट्यूब का चैनल था, तो इसकी भी वीडियो नहीं है, बट ये इस पे बनाने काफी मजा आया था और जल्दी बन गया था वैसे। ये फेस में ज्यादा शेडिंग नहीं है, लेकिन हेयर बनाने काफी अच्छे लगे थे मुझे, हाँ बहुत, ये जो शाइन वाला इफेक्ट है ये कंप्लीट, ये सारे रियलिस्टिक से स्मूथ पे ही लगे थे। है, स्मूथ पे ही है। हाँ ये भी स्मूथ पेपर है, और इसमें तो ज़्यादा इरेजिंग का काम हुआ है, बनाने का कम हुआ है। बेसिकली ये मैंने उस टेक्निक से बनाया था कि मैंने फेस में पहले पूरे बेस शेड कर दिए एक लाइट पेंसिल से, बेस फेस में भी और हेयर में भी, फिर बाकी मैंने इरेजर से इसमें हाईलाइट्स ला के फेस की डिटेलिंग और हेयर बनाए थे। मस्त है। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने इस टेक्निक का, कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, इरेजर से कैसे हाईलाइट्स क्रिएट करके कर सकते हैं। और इसमें भी ब्लेंडिंग नहीं किया है, आयरन मैन ये टॉम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया हुआ है। ये भी 120 GSM पेपर पे आटो के, इसमें भी स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। हाँ रफ पेपर है ये वाला। और ये तो मैंने बनाया था मेट्रो हाँ में मेट्रो में ये मेट्रो में बनाया था, ये पेपर भी सस्ता सा पेपर था, ये वाला लोटस वाली स्केचबुक का पेपर है ये, उस पर बनाया था। तो देख लो गाइस, ये भी कितना रियलिस्टिक लग रहा है बिल्कुल। और बनाया भी, चलती मेट्रो में था तो तब भी 1.5 घंटे में बन गया था मेट्रो में, थोड़ा सा बचा था वो घर इसी जाके बात पे एक कंप्लीट कर दिया लाइक था और ये तो रिसेंट हुआ है, हाँ ये तो शेयर भी किया था। सिद्धार्थ शुक्ला की ऑफिशियल टीम ने शेयर किया था हर जगह सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी अच्छा लगा था, फेवरेट है। और ये तो काफ़ी पुराना है, इस पर डेट भी लिखी है 2015 का है ये, पॉल वॉकर का स्केच। तो ये भी क्लासमेट के पेपर पे बनाया था, तब क्लासमेट पेपर यूज़ करता था मैं। ये भी पुराना है, 2015 का है ये भी, लियोनार्डो डिकैप्रियो का। तब नई नई मैंने ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उस टाइम में। बढ़िया है, उस टाइम तो मैं बनाता ही नहीं था। और ये तो उससे भी पुराने 2014 का है ये, इस पर भी डेट है, और ये पेपर भी येलो सा हो गया, क्योंकि ये क्लासमेट से भी सस्ता पेपर था, कोई नॉर्मल जो बच्चों की स्केच बुक आती है ड्राइंग बुक बाजार में 10-20 रुपए की, वो वाले पेपर पे बनाया था, और अप्सरा पेंसिल से बनाया था ये वाला। देख लो गाइस तब बीएड बनानी मेरे को भी अच्छे से नहीं आती थी, बीएड हेयर वगैरह ये, पर बस ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके तो प्रैक्टिस करते रहता था 2014 में इतना मस्त बना रखा है। ये 2018 में बनाया था रोनाल्डो का, वर्ल्ड कप के टाइम, जब 2018 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, इसमें ब्लेंडिंग की है। और ये भी आइवरी पेपर पे बनाया, एक अलग ही टेक्सचर आता है आईवरी पेपर पे, अगर आप स्टम्प से हाँ ब्लेंड करो स्मूथ तो। आइवरी पेपर पे, हाँ तो एक एक रफ होता है एक स्मूथ होता है, रफ पे शायद ब्रश से अच्छा होता है, बट मैं स्मूथ वाला यूज़ करता हूँ, उस पे पेपर स्टम्प से अच्छा होता है। तो ये भी एक अफेक्ट होता है जो आपको दिख रहा होगा फेस पे, तो ये भी हाँ काफी बढ़िया लगता है। इसमें भी स्किन का वो देखना, जो मूवी का पोस्टर था, मतलब मूवी में ऐसी ही लुक थी अनुष्का की, तो वो मैंने स्पॉट्स परी वगैरह भी दिखाए हैं। हाँ परी में, तो वही स्पॉट्स वगैरह मैंने वैसे के वैसे ही दिखाए हैं। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं था कि मैं मतलब उस मूवी में इसका ऐसा ही लुक है, तो लोग समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर दिया इसकी स्किन को, ये क्या बना दिया, बट ये मूवी का पोस्टर जैसा था ऐसी मूवी में लुक थी, मैंने वैसा ही बनाया था, पूरा वैसा दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा है। मस्त लगा। यूजली बॉलीवुड एक्ट्रेस तो पूरा मेकअप वेकअप करके रहते हैं हाँ उनको बनाना काफी इजी होता है। ये ओ धोनी और वाओ जीवा का बनाया था कलर पेंसिल से।
ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है कलर्ड। ये बनाने में काफ़ी मुश्किल हुई थी वैसे, मुझे फेस मैच नहीं कर रहा था अभी पूरा, 100% मैच नहीं हुआ स्केच में फेस धोनी का। जरूरी नहीं है हाँ मैच करना इतना कि 100% मैच करे, 80-85% ही हुआ स्केच में, लेकिन पहले 40-50 हो रहा था सिर्फ। मैंने फिर स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं, तो फिर जो काफ़ी भी लोगों ने बोला करो, तो मैंने पेपर कौन सा कोशिश की जितना की। ये कलर पेंसिल पेपर ही था कैंसन का, 250 GSM वाला पेपर है ये। ओके मसला। हाँ ये मैंने 10 शीट्स मंगवाई थी सिर्फ पहले चेक करने के लिए, काफ़ी थिक पेपर है ये 250 GSM, और कलर पेंसिल के लिए अच्छा है। ये लेब्रॉन जेम्स का बनाया था, इसमें जेली रोल पेन यूज़ किया लेकिन शायद थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर दिया, बट वो फोटो ऐसी थी उसमें हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी तो इसलिए मैंने वाइट ज़्यादा यूज़ किया इसमें, तो वाइट मैंने जेली रोल पेन से किया था इसमें। सही है, मैंने भी बनाया था। हाँ प्यूटी पाई का बनाया था ये, तो ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था। इसमें भी काफ़ी स्मूथ सा स्मूथ सी लुक आ रही है स्किन की भी, तो पेपर स्टम से ब्लेंडिंग की है, स्मूथ आइवरी पेपर ही है ये भी। चारकोल नहीं है ना एक में भी? नहीं चारकोल वाला इसमें कोई भी नहीं है, चारकोल से बनाए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-3। मेरे को चारकोल पता नहीं ज़्यादा पसंद नहीं आती है क्योंकि ग्रेफाइट से मुझे काफ़ी टाइम से आदत है बनाने की, तो चारकोल जब मैंने बनाना शुरू किया मेरे को पसंद नहीं आई। ये वाला गाइस देखो एलुमिनाटी तो कैसे हैं आप लोग, ये तो बहुत मस्त लग रहा है बहुत ज़्यादा, उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे ही होते हैं वीडियो में, इसलिए मैंने ये फोटो चूज़ की थी, तो बहुत मस्त लग रहा है। तो ये ब्रूस्टो पेपर पे बनाया था, और ये भी हाँ ये भी थोड़ा रियलिस्टिक सा बनाया था जाकिर खान का, ये भी ब्रूस्टो वाला ब्रिस्टल पेपर है, और ये हाँ ये मैंने ये मार्कर से बनाया, इसमें सिर्फ मार्कर से यूज़ किए हैं, इसकी वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे मेरे। हाँ देख सिर्फ टच मार्कर से यूज़ किए हैं, ये भी बहुत मार्कर से बनाया है, रियल में ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, वीडियो में तो चाहे जस्टिस नहीं कर रहे होंगे बट रियल में बहुत प्यारे। ये कलर पेंसिल से बनाया है, मार्कर भी यूज़ किए गए इसमें, मार्कर थोड़ा सा मैंने टी शर्ट में यूज़ किया था येलो मार्कर बेस लेयर के लिए, बाकी स्किन वगैरह में सिर्फ कलर पेंसिल से ही हैं, तो काफ़ी मस्त लग रहा है ये भी। थैंक यू। ये भी 250 GSM पेपर पे बनाया था, ये थोड़ा छोटे साइज़ का A5 साइज़ का, छोटे साइज़ का बनाना काफ़ी डिफिकल्टी होती है कभी कभी, जब हम बनाने लगते हैं ना कि छोटे साइज़ का बना लेते हैं जल्दी बन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, छोटे साइज़ पे उल्टा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा डिटेलिंग पास से करनी पड़ती है, मतलब इतने छोटे साइज़ पे काफ़ी तगड़ी डिटेलिंग कर रखी है। ये देखो कितनी तगड़ी डिटेलिंग करके यहाँ पे मुकुट पे, तब चैनल नहीं था तो इसकी भी वीडियो नहीं है। और ये वाला मेटल का टेक्सचर भी काफ़ी मस्त लग रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, मस्त लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, छोटा छोटा है इसको फ्रेम करवा के रख लो। ये विराट कोहली का मैंने, हाँ ये तो शेयर किया था विराट कोहली ने, ये वाला नहीं किया था दूसरा था। हाँ ओके ये स्टेडलर कलर पेंसिल से बनाया था 2016-15 में, आयुष्मान का, ये तो 2018 में बनाया था ग्रेफाइट पेंसिल से ही, ये भी A5 साइज़ का है, तब मैंने 3-4 मंथ्स तक तो कुछ नहीं ड्रॉ किया था, 3 मंथ्स से ज़्यादा गैप आ गया था, उसके बाद जो कम बैक स्केच कह लो तो वो ये वाला था आयुष्मान वाला, इसके बाद फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू की थी स्केचिंग। अरिजीत का बनाया था, ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था, इसकी बियर्ड मैंने वैसी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी, जैसी शेप थी वैसी बनाई थी, काफ़ी मस्त लग रही है। रोहित शर्मा का ये रिसेंट ही है, 2019 में ही बनाया था A5 साइज़ पे, इसमें भी ज़्यादा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की थी फेस में, और फेस और हेलमेट की डिटेलिंग में मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की थी 4B वाली, बाहुबली इसकी वीडियो डाली थी ना। हाँ इसकी वीडियो डाली थी मैंने चैनल पे, ये भी काफ़ी मस्त लग रही है, दूसरी या तीसरी वीडियो ही थी वाले स्केच फेस पे जो हाईलाइट्स वगैरह हैं वो काफ़ी मस्त लग रहे हैं। ये शायद मैंने इरेजर पेंसिल से की थी, तब मैं इरेजर पेंसिल यूज़ करता था, और हेयर भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं देखो, 6B से ही बनाए थे, ये भी आइवरी पेपर था स्मूथ वाला। ये वाली स्केच की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जबकि सिर्फ 1 मिनट की वीडियो थी, और मैं ऐसे ही जल्दी में बनाया था, शेडिंग नहीं की है, बट ये स्केच की जो मेरी वीडियो चैनल पे वो 2nd highest व्यूज है उस वीडियो पे। श्रेया घोषाल का ये भी शेयर किया था, ये हाँ श्रेया घोषाल मैम ने शेयर किया था ये ट्विटर पे फेसबुक पे, थैंक यू बोला था मेरे को, देखा था मैंने। मेसी का स्केच ये तो जल्दी बनाया था मैंने काफ़ी, और मैकेन 8 लाइन की मैकेनिकल पेंसिल से बनाया था ये वाला जल्दी में, और ये रफ वाला आइवरी पेपर 8 लाइन की मैकेनिकल, हाँ 8 लाइन की मैकेनिकल पेंसिल भी आती है मेरे पास वही, 8 लाइन की दूसरी पेंसिल मैंने यूज़ नहीं की है, बट मैकेनिकल पेंसिल ली थी वो यूज़ की हुई है मैंने, स्टार्टिंग में पहली मैकेनिकल पेंसिल वही यूज़ की थी मैंने, 8 लाइन की थी वो। ये वाला देखो गाइस बहुत मस्त लग रहा है, छोटा सा है, मेरे को ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट सौरभ कह रहा है अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की है फेस में, मतलब बियर्ड में, हेयर में, इसमें जो इधर से लाइट आ रही है ना वो इफेक्ट देखो, इधर एकदम से डार्क कर रखा है, हाँ इधर से लाइट आ रही है, तो वो मुझे काफ़ी मस्त लगा।
यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ की थी, यहाँ पे इरेजर से इरेज कर दिया। तो बहुत मस्त लग रहा है ये, दिखाने नहीं वाला था ये वाला वर्क, मैंने जबरदस्ती घुसाया इसके अंदर। मेरे को इतना खास नहीं लगता। ये दीपिका का ये क्लासमेट के पेपर पे बनाया हुआ है, पेपर भी अब येलो सा हो गया, 2016 में बनाया था, बढ़िया। और ये भी शायद अप्सरा पेंसिल से बनाया था दीपिका वाला। ये जब मैं फर्स्ट टाइम MS धोनी से मिल पाया था फर्स्ट टाइम 2016 में, तब ये वाले स्केच का मैंने प्रिंट गिफ्ट किया था फ्रेम करवा के, तो ये वो वाला स्केच है। वैसे तब मैंने ये जल्दी में बनाया था, मतलब जब मिलने जाना था उससे एक दो दिन पहले, क्योंकि मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मिल पाऊँगा। तब मेरे को और कोई फ़ोटो मिली नहीं, मैंने ये वाला बनाया था, तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मिल पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कोई अच्छा और अच्छा स्केच बनाता इससे। बट यही था जिसका प्रिंट गिफ्ट किया था फर्स्ट टाइम। प्रिंट ये क्यों नहीं दिया, प्रिंट क्यों दिया? मेरे को ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिल भी पाऊंगा, अच्छा। तो फिर भी ऐसे ही ले गया था। ये भी रणवीर सिंह का। इसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं किया है, बस ड्राइंग पे फोकस किया है इसमें, बाल वगैरह पे। ये पुराना है, 2015 में बनाया था युवराज का, तब थोड़ा ऐसा ही फेस था उसका, हैवी हैवी। इसमें ब्लेंडिंग कम की है। ये वाला शेयर किया था ना? हाँ, ये वाला स्केच है विराट कोहली ने जो शेयर किया था फेसबुक पे, फेसबुक पेज था उनका, अभी भी है उस पर। इंस्टाग्राम पे भी किया था, बट आई थिंक इंस्टाग्राम से वो पोस्ट अब डिलीट कर दी थी उन्होंने, फिर अकाउंट रीसेट हुआ था। बट फेसबुक पे भी आप देखोगे तो ये पोस्ट उन्होंने डाली थी 2015 में, डेट भी याद है मुझे, 7 अप्रैल 2015 को शेयर किया था विराट कोहली ने ये। विराट कोहली ने अब नहीं करता, अब कोई कुछ भी बना दे अब शेयर। उनके पेज पे पहला स्केच अगर कोई शेयर किया होगा तो वो यही वाला है, इसके बाद फिर और भी किया था थोड़े बहुत, बट भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए विराट कोहली। लिखा था उन्होंने, थैंक यू सो मच शुभम फॉर दिस अमेजिंग पोर्ट्रेट। ये कबीर सिंह वाला बनाया था, ये भी रियलिस्टिक लग रहा है, हेयर और ये हाइलाइट्स वगैरह। टॉम बुक की ग्रेफाइट पेंसिल से ही बनाया है ये, और स्टम्प से ही ब्लेंडिंग की है जॉन इब्राहिम का। इसमें तो कॉपीराइट आ गया था। हाँ, गाना डाला था मैंने वीडियो में। पर मैंने कहा कोई नहीं, वैसे भी अर्निंग तो ज़्यादा होती नहीं यूट्यूब पे, व्यूज़ भी इतने आते नहीं है, तो कोई नहीं गाना बजने तो। अच्छा लगता है सुनते सुनते। सुशांत सिंह राजपूत का भी 2016 में बनाया था, जब MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई थी तब बनाया था। मस्त लग रहा है। ओके, सुशांत सिंह राजपूत ने भी शेयर किया था ट्विटर पे। अच्छा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैंने एक और बनाया था सुशांत का, वो भी शेयर किया था, दोनों बार किया था। सारा अली खान का ये रफ पेपर है, नहीं फैब्रियानो। ओके, हाँ, दो स्केच बनाए मैंने इस पेपर पे सिर्फ, मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरे को स्मूथ की आदत है ना, तो ये ज़्यादा ही रफ था उस हिसाब से। ये रिसेंटली बनाया था ना? हाँ, ये तो जब मूवी आई थी साहो तब बनाया था। और ये भी स्मूथ पेपर है, स्मूथ आइवरी, इसमें भी टॉम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ की। शेडो का इफेक्ट है जो, हाँ, ये गॉगल्स की शेडो से बनाई है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। थैंक यू। इसमें भी 6B हाईएस्ट यूज़ किया बालों में, ये पता नहीं कौन है। अच्छा, मैं ही हूँ। सर बनाया था ये 2016 में बनाया था। ओके, क्लासमेट के पेपर पे अपने स्केच देखा मैंने, ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं यूज़ किए, और कलर पेंसिल भी फेबर कैसल की थी, बाई कलर पेंसिल्स, बढ़िया लग रहा है लेकिन। और ये ऋतिक रोशन का स्केच, लास्ट स्केच। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसमें 10 घंटे लगे थे, 9-10 घंटे। नहीं नहीं कितने? अच्छा, दिन काफ़ी लग गए थे, क्योंकि ये मैंने पार्ट्स में बनाया था। जैसे आईज इसकी मैंने बनाई, आईज बना के रख दी, फिर एक दो महीने के बाद फिर नोज बनाया, फिर एक दो महीने के बाद फेस बनाया, फिर बाल बना के कंप्लीट कर दिया इसको। देख लो, ऐसा भी होता है। हाँ, मेरी पड़ी ये एक ऐसा स्केच था जो मैंने ऐसे पार्ट्स में बनाया था, अदरवाइज ऐसा होता अगर कोई आंख वगैरह बना के आधा बना के छोड़ दूँ ना, फिर वो मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर कंप्लीट नहीं करता उसको। बट ऋतिक रोशन फेवरेट एक्टर है तो मैंने कंप्लीट कर दिया था ये। सो गाइस, मैंने आपको इनके वर्क्स तो दिखा दिए हैं और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब जो मेरे वर्क्स हैं वो आप इनके चैनल पर देख लेना, तो इसकी एक सेपरेट अलग वीडियो बनेगी, तो उसमें देखेंगे हम सौरभ के स्केचेस, जैसे मेरे डिटेल में देखे वैसे उसमें सौरभ बताएगा अपने स्केचेस के बारे में डिटेल में, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी पेंसिल, कौन सी पेपर यूज़ किए। सो वो वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल पे, और उसमें हम सेम तरह से उसमें सौरभ बताएगा अपने स्केचेस का। हाँ, मैंने देखा, मतलब ये वीडियो अराउंड 20 मिनट की तो बनी गई है। हाँ, और अगर मेरे भी दिखाऊंगा तो 20 मिनट की, और तो 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो, तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दो पार्ट्स में इसको कर रहे हैं। तो सौरभ के स्केचेस के लिए मेरे चैनल पर देख लेना, बाकी इस वीडियो में हमने मेरे स्केचेस के बारे में बात की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना दोनों के चैनल को, और नेक्स्ट पार्ट देख लेना इनके चैनल पे, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मेरे स्केचेस देखने को मिलेंगे, कौन से मटेरियल यूज़ किए, किस तरह से, कौन सा पेपर, कौन से टेक्निक, सब कुछ बताऊंगा मैं अपने स्केचेस की, तो देख लेना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।